अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे का खागिना। इसके लिए हमने 4 से 5 डली कट करके रख लिए। ये 3 एग्स हैं, इसको बॉईल नहीं करना है, बस ऐसे ही ले लेना है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे। सबसे पहले 2 टेबलस्पून तेल हमने यूज़ किया है यहाँ पर। गरम होने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को बिल्कुल सॉफ्ट होने तक हमको बनाना है। अच्छे से सॉफ्ट होने देना है प्याज को। देखिए अच्छे से फ्राई हो रही है। थोड़ी देर ढक्कन ढाँप कर रखेंगे हम, ताकि प्याज अच्छे से जल्दी से नरम हो जाए। देखिए अच्छे से फ्राई हो रही है। इसी तरह से और कुछ देर के लिए हम फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। वन टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अब हम रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। हाफ टी स्पून हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे इसमें। इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा, हाफ ग्लास। थोड़ा सा पकने देंगे प्याज को सारे मसालों के साथ। उसके बाद हम एक एक करके अंडे ऐड करते जाएंगे। सेपरेट सेपरेट ऐड करेंगे हम अंडे, वन बाय वन ऐड कर दिया हमने सारे अंडों को। अब थोड़ी देर के लिए ढाप कर पकाएंगे। ये देखिए थोड़ी देर के बाद इस तरह से हुआ है हमारा अंडे का खागिना। थोड़ा सा हम इसमें स्पून डालकर थोड़ा सा हिलाएंगे, बस अंडे को ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। थोड़ा सा टर्न कर लेंगे ताकि पीछे की साइड से भी थोड़ा सा पक जाए अंडा। दोनों साइड से अच्छा पकने देंगे इसको। कुछ और देर हम ढाप कर रखेंगे। देखिए ढाप कर रखने के बाद अंडा अच्छी तरह से फ्राई हो गया। बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है दोनों साइड से। ये अंडे का खागिना अब बिल्कुल रेडी है। इसमें हम थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे ऊपर से, और थोड़ी कसूरी मेथी है इसको भी हम क्रश करके डाल देंगे, और एक हरी मिर्ची कट करके डालेंगे। देखिए अभी इतना डिलीशियस और टेस्टी अंडे का खागिना रेडी है। आप इसे रोटी के साथ या सादे चावल के साथ भी यूज़ कर सकते, बहुत ही आसान है बनाना। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।